हेलो गाइस, वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे विवेक डांस ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, अब मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ कि पांडे स्टोर के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, कि पांडे स्टोर के फैमिली में और मकवाना परिवार में अभी जैसे कि मेहंदी का रस्म चल रहा है, उसके बीच में क्या क्या अपकमिंग ट्विस्ट आने वाला है, किसकी फाइट होने वाली है और कौन किस किस का डांस में टसन होने वाला है। मैं पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि चिकू भाभीन को भड़काता है, बहुत ज़्यादा उसको भड़का देता है, तो भाभीन को कुछ समझ में नहीं आता, तो भाभीन क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। क्या बोलता है वो गाइस, वो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा कि चीकू कैसे भाभीन को भड़काता है। और भाभीन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, तो उस डिप्रेशन में आने के चक्कर में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, तो ड्रिंक करने की वजह से वो स्टेज पे जा करके बहुत ज़्यादा डांस करता है, खूब डांस करता है। पूरे जितने भी वहाँ पे आए हुए रिश्तेदार और जितने भी मतलब फैमिली मेंबर रहते हैं सब देखते हैं उसको, घूरते हैं, घूर करके देख। और इससे भी बड़ी हरकत भाभीन क्या करता है कि जितने भी वहाँ पे मकवाना परिवार के बहू रहती हैं उन सबको भी हाथ पकड़ करके स्टेज पर ले जा करके भाभीन सबको डांस करवाता है। और डांस करवाते ही अचानक से अमरीश और अंबाजी भी वहाँ पे आ जाते हैं स्टेज के बगल में, और भाभीन को तो कुछ भी होश नहीं रहता क्योंकि वो ड्रिंक किया हुआ रहता है। अमरीश और अंबाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। सो गाइस, गुस्से में आने के वजह से देखो अभी आगे आने वाले सीन्स में आपको बहुत सारा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा अमरीश और अंबाजी को पूरे फैमिली के ऊपर में। सो गाइस, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि उन सबको भी ये पांडे स्टोर की अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में जानकारी हो सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच।